वेलकम टू माई न्यू व्लॉग। और आज का जो व्लॉग है और आने वाले जो भी व्लॉग होंगे वो एक टूर है हमारा, छोटा सा कॉम्पैक्ट सा टूर है। वो बहुत मज़ा आने वाला है क्योंकि आप जो चाह रहे थे एक हमारा फैमिली ट्रिप, वो फैमिली ट्रिप होने जा रहा है। और ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा है, बड़ा शॉर्ट टाइम पे बना है, मतलब दो दिन पहले ही बना है। और तो निकल गए और गर्मी देखो दिल्ली की, 6:30-7:30 हो रहे और मेरे को इतना पसीना आ रहा है क्योंकि सुबह उठ के नहा धो के पौधों को पानी वानी दे के अपना जो सारा काम था बिल्ली वगैरह को सब सेट सूट करके निकल गए हैं। और अब हम यहाँ से जा रहे हैं किसी को पिक करने के लिए। और यहाँ पे ये गाड़ी साफ़ कर रहे हैं भैया, और उधर मेरे हस्बैंड आ रहे हैं। और बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है दिल्ली में, दिल्ली में पता नहीं जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ पर कैसा हाल होगा। और इसलिए मैंने थोड़ा लाइट कलर पहना है क्योंकि गर्मी लग रही थी बहुत ज़्यादा, तो मैंने बहुत लाइट सा कलर पहना है। इसलिए पौधों को पानी दे रही, बच्चों को भरोसा नहीं है और आजकल गर्मी आता है, तो इसलिए सुबह सुबह अब मेरे साथ जुड़ गए हैं इस टूर में। हेलो गुरु। और ये टूर होने वाला है बहुत अच्छा वाला, और कौन कौन जा रहे हैं अभी आपको दिखाते हैं। तो मैंने ब्लॉग को कर दिया है स्टार्ट, मुझे उधर लगा रहा हूँ, उधर लगा रहा हूँ। गाइस आपके साथ भी ऐसा हो रहा है, सुबह सुबह ऐसा लग रहा है कि तो थक गए हैं, पता नहीं पसीना कितना तेज आ रहा है। ये देखो पसीना ही पसीना हो रहा है पूरा, बहुत, क्योंकि वो गाड़ी साफ कर रहा है ना बाहर से, तो इसलिए अभी ए सी नहीं चलाया है और इतनी पसीने से बुरी हालत हो गई है। सुबह सुबह ऐसा लग रहा थक गया है क्योंकि तो अभी तो जर्नी स्टार्ट हुई है। गाड़ी में हो रहा है सामान भरा जा रहा है, सामान डाल रहे हैं गाड़ी में। मौसम हो गया तो इसलिए ऊपर जो है वो लगा रहे हैं, और आज ही बारिश का मौसम हो रहा है। कितने दिन से तो गर्मी हो रही थी बहुत ज्यादा। पापा गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अब हम प्रस्थान कर रहे हैं यहाँ से मुक्तेश्वर के लिए, ठीक है। और थोड़ा लेट हो गए, कोई बात नहीं, और लेकिन मौसम अच्छा हो गया जाने से पहले ही। मौसम भगवान ने हमारा हर चीज़ सुन लेता है, तो अगर वेदर साथ थे तो मज़ा आया था रास्ते का। गुड मॉर्निंग मम्मी। गर्मी हाँ, मैं आज है 20 जून 2024। मैं कहना चाह रहा था कि आज 20 जून 2024 का दिन है और पावन बेला में हम लोग सुबह के टाइम पर हम जा रहे हैं मुक्तेश्वर, जो नैनीताल के पास, भीमताल के पास भवाली आता है, भवाली से सीधा रास्ता जाता है मुक्तेश्वर को। वहाँ रामगढ़ का एक जगह का नाम है, वहाँ पर हमारा स्टे है। और वहाँ पर पूरे सेब के बगीचे, उल्लम, आड़ू, इस टाइप के मतलब आपको फल फ्रूट वहाँ काफ़ी खाने को मिलेंगे। सेब अभी कम मिलेगा लेकिन उल्लम और आड़ू तो मिलेगा ही मिलेगा, और खुमानी, तीन चीज़ें मिलेंगी आपको खाने के लिए। ठंडी जगह है, सर्दियों में वहाँ पर बर्फ भी गिरती है। उसका नाम वैसे जहरी खाल भी है, उसका नाम क्या है, जहरी खाल, जहरी खाल हाँ। और उसका टेम्परेचर माइनस में जाता है वहाँ पर सर्दियों में, लेकिन अभी भी वहाँ पर इस समय सुबह का जो टेम्परेचर होगा 15 के आसपास होगा, 15-16-18, और शाम का जो टेम्परेचर होगा वो 30-35 के आसपास होगा। तो हम अच्छी जगह पर जा रहे हैं, देखते हैं आगे क्या होता है। और सुबह की पवन बेला में हमारे बच्चे सब साथ जा रहे हैं, हम लोग तीनों लड़कियाँ और उनके दामाद, तो मेरी वाइफ भी मेरे साथ में है, लेकिन थोड़ा सा वो अभी थोड़ा सा मूड में नहीं आई है, तो अभी अच्छा हुई बोलेंगी कुछ, आपको सुनाएंगी। अभी सुबह का टाइम है, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं, बने रहिए, अगले बने रहिए अगले एपिसोड में। रामपुर से थोड़ा सा आगे, और अब हम पहला स्टॉपेज लिया है और दिखाती हूँ आपको अब कौन कौन हमें ज्वाइन कर रहा है। ऐसे तूने खाना खा लिया? हमने खा लिया। खा लिया? हम आए नानू नानी के गाँव। गाँव Thank you.
गोदाम और ये फोन पे बात कर रही है और ऊपर हम लोग देख रहे हैं और ये दोनों लेडीज क्या कर रही है? दोनों लेडी बोल रही है कि ये तेरे पति तेरे को कहाँ लेके गए? बुला घूमने के लिए कहाँ लेके गए? देखो मुझे तो कहीं नहीं लेके गए, दिल्ली में बहुत गर्मी है रही, गाँव में भी गर्मी हो गई। अब बूजी बैठे हैं तो ये बूजी बैठे हैं और उधर एक अम्मा और ये बकरी कह रही है भैया मुझे भी तो ले चलो, मुझे क्यों अंदर बंद करके रखा है? अरे अम्मा को देखो बोल रही क्यों मोबाइल बात कर रही है, मोबाइल बात करने लगी है वो एक अम्मा और बूबू लटके हुए और यहाँ पढ़ाई भी हो रही है। गेम खेल रहे हैं अष्टा चखन पत्थर वाला गेम खेल रहे हैं और वो वहाँ पे पूजा कर रहे हैं और वहाँ पे जो लोग सो रहे हैं और वो वहाँ पे जो पीछे तालाब भी है इसके। तो जी हम हल्द्वानी रुक चुके हैं, हल्द्वानी में काठगोदाम के आगे यहाँ पेट्रोल पंप पे रुके हैं, काकू का वेट कर रहे हैं क्योंकि उनकी गाड़ी पीछे है, काकू और हेमंत शेखर की गाड़ी पीछे है और डिमकी हमारी गाड़ी में और हम उसका वेट कर रहे हैं और पहाड़ दिखने लग गए हैं। और मौसम क्या है कि दिल्ली से थोड़ा सा कम है, जैसे दिल्ली में बहुत ज़्यादा गर्म है तो यहाँ पे गर्म तो है पर ज़्यादा गर्म नहीं है, अभी ज़्यादा गर्म नहीं बाकी पता नहीं। अभी हम निकल चुके हैं भीमताल की तरफ और भीमताल से हमारा रूट है 1 घंटे का रास्ता। अभी कितना रास्ता टोटल? अभी हम पहुँच गए भीमताल, अभी नहीं पहुँचे भीमताल, भीमताल नहीं पहुँचे क्या? अभी नहीं पहुँचे। हम कहाँ जा रहे हैं फिर? अभी तो भीमताल के रास्ते में। अरे तुम पागल हो की तरह मुझे बार बार कहीं और लेके जा रहे हो, बोले भीमताल आ गए भीमताल आ गया, वो तो उठा रहे ना कि सो गई थी। ये हम पहुंच गए भीमताल, तालों में ताल। नहीं अकेले रहते हो? फैमिली के साथ? फैमिली है, पूरा परिवार है, नाती है नातिनी है। अच्छा तो ये नीचे क्या जा रहे हो भीमताल? किसी काम से जा रहा हूँ। अच्छा दुकान तक है, दुकान वो चलती है यहाँ से? फ्री ले जाती है। अच्छा सीनियर सिटीजन को? सीनियर सिटीजन को गवर्नमेंट ने कराया है चाय का टाइम। और दिन के बजे नहीं बेटा चॉकलेट नहीं खाती मैं। कैसा फील हो रहा है डिम्बी? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब आ रही ठंडी हवा? बहुत ठंडी हवा आ रही है। सच बता? हाँ हाँ गाड़ी चल रही है ना तो क्या है गाड़ी और उसकी वजह से हवा आ रही है, पर ठंडी हवा है ना। हाँ हाँ मम्मी तुम क्या कह रहे हो ठंडी है? मम्मी ठंडी हवा है? नहीं है, नहीं है पहले से बैठा, बहुत बढ़िया है। अभी मम्मी ने एक वीडियो बनाई है, मम्मी कह रही है कोई मत आओ यहाँ पे, मम्मी ये बोल रहे कोई मत आओ दिल्ली से कोई मत आओ, बट अभी ठीक लग रहा है। आप बोलेंगे और खेल जाएगा हमारा, अब ठंडी हवा है। अब हम रुके नहीं है, रुक कर बताएंगे आपको गाइस कितनी ठंडी है। गाइस अभी लग रही है ठंडी हवा, हवा ठंडी मतलब ऐसी ठंडी लग रही है पर हवा में ठंडक है और बाकी लोग गाड़ी में रामगढ़ वही जगह है ये रामगढ़। अब हम रामगढ़ पहुंचने वाले हैं, 5 किलोमीटर है यहाँ से। हालत खराब हो गई और हम पहुंच गए, बाकी जो रूम टूर है बाद में आराम से लूंगी, अभी तो जस्ट पहुंच रहे हैं। मैं पूछूं दिल्ली में काम करने वाला मैंने हम्म
कैसा लग रहा है? हालत खराब। अब अच्छा लग रहा है, अब अच्छी लग रही है। अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन हालत खराब है। बहुत खड़ी चढ़ाई थी ऊपर आए ना, एक से विलेज था उससे ऊपर आए, उससे हालत खराब हो गई। खड़ी चढ़ाई मैंने तो अपने आंखें बंद कर ली, पापा का नाम ले रही थी कि बस पहुंच जाए, क्योंकि मुझे डर लगता है बहुत। गाड़ी की स्किड कर रही थी बहुत ज़्यादा। पानी कोल्ड ड्रिंक आ गई है डिम्पल जी, हल्की हल्की धूप का मजा लेते हुए, शाम की ढलने वाली धूप। अच्छा हवा चल रही है भैया, टॉप पे अच्छी चल रही है ना, और हम बिल्कुल टॉप पे है गाइस। ये देखो इसके ऊपर कोई पहाड़ नहीं है, हम टॉप पे हैं। और नीचे देखो यहाँ पे बन रहा है, लाइव लोकेशन भेज दी मानसी को। हाँ भेज। और ये देखो हम बिल्कुल टॉप पे हैं, टॉप वाला घर है, सबसे टॉप है ये। इसके नीचे है सारे घर, बहुत अच्छी। अभी अंदर देखा नहीं, पहले पानी वानी पीते हैं। एक्चुअली हम दूसरी गाड़ी का वेट कर रहे हैं, वो लोग अभी पीछे हैं हमसे, और जो खड़ी चढ़ाई है ना तो इसकी वजह से। ये है यहाँ से, यहाँ स्टार्ट होता है। ऐसे दिखाना गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग गाइस। ये है मेरा घर, ये है मेरा घर, ये विला है जो हमने रेंट पे लिया है। यहाँ हमारे पास सोफे है, और ये बाहर देखने के लिए व्यू है। मम्मी लॉक हो गई शायद, मम्मी लॉक हो गए क्या? ये क्या है इधर? यहाँ वॉशरूम होगा। बोले क्या? ओहो बकवास, बालकनी। हम खुद ही एक्सप्लोर कर रहे हैं, फूल लकड़ी का अरेंजमेंट भी कर रखा है बॉनफायर करने के लिए। ये है पूरा। क्या हुआ? खोलो। मैंने अभी शॉपिंग कर ली, मुझे हल्की हल्की ठंड सी लग रही थी। ये वॉशरूम है, और ये यहाँ पे कबर्ड्स, कबर्ड्स है, और ये अरे मम्मी व्लॉग मेरे से तो खुल भी गया, खुलेगा नहीं। अब क्या रूम पे? वन रूम इज दिस, ये है छोटा रूम बच्चों के लिए, किड्स किड्स स्पेशल। दिस इज अ किड्स स्पेशल रूम, नाइस छोटा रूम बच्चों के लिए, देख लो। और ये भी एक छोटा बच्चा बच्चों के लिए रूम, ये हम देखिए नेपाल के हैं, नेपाल के पास में की है। लड़की और लड़का, लड़की लड़का रहते हैं, लड़की दादी के साथ रहेगी, 4 साल की लड़की। तो दोनों मियाँ भी काम करते हैं, 4 साल की लड़की दादी के साथ रहती है। बाजू में चौबीस और भी है बैकयार्ड। वो बाग भी आ सकता है ऑब्वियसली, वो देखने जंगल ही चाहिए। बाग भी आ सकता है। मैंने कहा बाग भी आ सकता है। हाँ पक्का आएगा, पक्का आएगा, मतलब अभी अभी आ सकते हैं, आ सकता है, अभी नहीं रात को पक्का आएगा। देखिए तो बच्चों को बाहर नहीं छोड़ना वाले थे। ओह दिस इज वन मोर रूम एंड दिस इज अ बिग रूम, वाओ। हमको सोने
बहुत खूबसूरत, दूर दूर तक खुली वादियाँ। यस तो जी, अभी हमने आपको रूम टूर दिखा दिया, बाकी जो जो अपडेट वगैरह कुछ और होगा तो हम बताते रहेंगे। और थोड़ा चाय वगैरह पी लेते हैं। और दूसरी गाड़ी के लोग आए नहीं हैं, दूसरी गाड़ी के लोग वो कह रहे हैं कि यहाँ से 14 किलोमीटर दूर चले गए, वो उधर पहाड़ी है कोई मंदिर है उधर चले गए 14 किलोमीटर दूर। तो 14 किलोमीटर दूर मतलब कितना, 1 घंटा लगेगा, आधा पौना घंटा लगेगा आने आने में लगेगा उनको। तब तक हम चाय वाय पी लेते हैं। बस अभी हम दिल्ली से सुबह चले थे, हम अब हम पहुंच गए हैं मुक्तेश्वर के रिसोर्ट में। टूलिप नाम है इसका, टूलिप, इसका नाम है टूलिप, और इसका नाम टूलिप बंगलो, बंगलो नंबर 8 मोड बैंड पे है ये। बिल्कुल आप देख लीजिए, पूरा पहाड़ी पे है, मतलब ठंड कपकपी लग रही है, और टेम्परेचर चल रहा है इस समय 13 डिग्री है। और ये करीब शाम का टाइम है, 7:10, और वो देखिए चंद्रमा सामने नजर आ रहा है आपको, इधर दिन छिपा है, दिन छिपने वाला है, मतलब छिपी गया है, ठीक है। और चारों तरफ देखिए जंगल है पूरा, बाघ भी आता है वो कह रहा था यहाँ पे। हाँ, चारों तरफ जंगल है, मार्च में स्नोफॉल हुआ था। रिसोर्ट में हम लोग रह रहे हैं, भाई साहब ने स्वेटर भी पहन लिया और हमें बताया नहीं कि स्वेटर लेके आना है। हाँ लिया लिया, कल सुबह के लिए दूध वगैरह ले आना फिर चाय के लिए। हाँ ठीक है, अभी रात को दोबारा पियेंगे। होटल दिखाओ, होटल होटल हेलो गाइस, वो देखो कितने सारे घर है, हम पहाड़ में चढ़ के आए, चढ़ के आए गाड़ी से, तुम तो कई लोग वो देखो वही रुक जाते, हम तो खो ही गए थे, हम ऐसे जा रहे थे, हम होटल का रास्ता ही भूल गए, हम तो खो गए थे। वो गलत दिखा रहे थे, घुमा फिरा के कहीं और ले आया था गूगल मैप। हम लोग हैं मुक्तेश्वर में, और दिल्ली में इतनी गर्मी हो रही है और यहाँ इतनी ठंड हो रही है कि हमें बोन फायर करना पड़ रहा है, और बहुत ज्यादा ठंड है। हमारे पास कोई शॉल नहीं है, ये दुपट्टा उड़ा हुआ है, इसलिए बोन फायर कराया ताकि थोड़ा सा गर्मी आ पाए। कितनी ठंड, ये देखो कितना मजा आ रहा है भाई, दिल्ली में चल रहे हैं एसी, यहाँ चल रहे हैं बोन फायर, यहाँ चल रहे हैं बोन फायर, मजा आ गया भाई, मजा आ गया, मजा मजा। गाइस देखो, अभी हमने बॉन फायर कराया, और इसलिए क्योंकि ठंड हो गई यहाँ पे, तो हमने फिर इनको बोला कि थोड़ा सा बॉन फायर कर दो। ठंड हो गई ज्यादा और हम कपड़े लेके नहीं आए थे, और ये देखो हम, मैंने दुपट्टा ओढ़ा हुआ है, इसने भी दुपट्टा, पापा ने चादर ओढ़ी हुई है, क्योंकि हम फुल स्लीव के कोई भी कपड़े लेके आए थे, क्योंकि हमें ये था कि बारिश हो, यहाँ पे भी बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है तो। लेकिन हम आपको ये नहीं बोलना चाहते कि आप मुक्तेश्वर आओ, क्योंकि यहाँ बहुत गर्म हो रहा है, ऐसा हमारे लोगों ने बोला है ना बाबा, कि लाइट जा रही है, पानी कमी है और बहुत गर्म हो रहा है, लेकिन यहाँ बहुत ठंडा हो रहा है, ठंडा हो रहा है, कोहरा आ रहा है ऊपर का, ये देखो तो ब्लॉग करते हैं ना, मिलते हैं कल के ब्लॉग में जो कि और मजेदार होने वाला है। मतलब अभी रात को तो बहुत ठंडा हो रहा है, बाकी सुबह का हमें नहीं पता और दिन का हमें नहीं पता, रात को बहुत ठंड हो रहा है, बहुत ठंड हो रही है, हमें ठंड लग रही है, हर समय रूप बदल देगा, अब रूप बदल दिया उसने देखो, हाँ बादल ने। तो मिलते हैं कल के ब्लॉग में, टिल देन टेक केयर, बाय, गुड नाइट।